नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम अशुभ राहु के प्रभावों के विषय में चर्चा करेंगे और इसके साथ शुभ राहु के प्रभावों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम ये जानेंगे कि यदि आपकी कुंडली में राहु किसी भाव में उपस्थित है तो वह शुभ प्रभाव देगा अथवा अशुभ प्रभाव देगा। इसके अलावा स्वराशि का राहु या उच्च राशि का राहु एवं नीच राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है, इस विषय को जानेंगे और साथ साथ कुंडली के तृतीय भाव, छठे भाव और ग्यारहवें भाव में राहु का प्रभाव किस प्रकार का होगा, इस विषय को जानेंगे और साथ साथ राहु के उपायों के विषय में भी चर्चा करेंगे और राहु के नारियल का प्रयोग वाला एक विशेष उपाय है, इस विषय को भी आज जानेंगे। यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है तब आप उसे किस प्रकार से अपने अनुकूल बना सकते हैं, इसके विषय में भी आज चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए सबसे पहले समझते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देता है तो किस प्रकार के लक्षण इसके हो सकते हैं। ध्यान रखें, राहु एक भ्रम है, यानी एक प्रकार का अंधकार है जिसके कारण व्यक्ति भ्रमित रहता है, यानी व्यक्ति भ्रम में पड़ सकता है यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव दे रहा है तब। इसके अलावा यदि राहु से आप प्रभावित हैं तो व्यक्ति झूठ बोलना, विपरीत कार्यों या विपरीत लोगों के प्रति आकर्षित होना, बुरे कार्यों से धनार्जन करना यानी धन का आगमन, यानी व्यक्ति चाहता है कि शॉर्टकट तरीके से कार्य करा जाए और बुरे कार्यों से, कहने का तात्पर्य यही है कि बुरे तरीके से पैसा कमाया जाए, इस प्रकार की व्यक्ति की मति हो जाना, ये राहु का ही लक्षण हो सकता है कुंडली में। हालांकि अन्य बातें भी विचारणीय होती हैं, परंतु राहु के हम अशुभ प्रभावों को जान रहे हैं तो ये लक्षण राहु के हो सकते हैं। चोरी करवाना, चालाकी से कार्य निकालना, ठीक है, तामसिक भोजन करने की आदत बन जाना, जीवन से दिशा भटक जाना, यानी व्यक्ति को कई बार ये समझ ही नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे किस्म का है, यानी कह सकते हैं कि अच्छे चरित्र वाला है, फिर भी अचानक से उसका भटक जाना, दिशा से भटक जाना राहु के अशुभ लक्षणों का परिणाम हो सकता है। मानसिक पीड़ा होना, मति भ्रम का शिकार होना, इस प्रकार के लक्षण राहु के हो सकते हैं। अगर कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति के विचार अवरुद्ध हो सकते हैं, यानी कई बार व्यक्ति ये निर्णय ही नहीं कर पाता है कि उसे कौन सा कार्य करना चाहिए या कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यानी मन में आई हुई बातों के आधार पर बिना किसी प्रकार का तर्क वितर्क किए या अच्छाई और बुराई का आकलन किए वगैरह कार्यों में लग जाना अशुभ राहु का लक्षण हो सकता है। आप जानते हैं कि राहु के शुभ लक्षण किस प्रकार के हो सकते हैं और फिर ये भी जानेंगे कि कुंडली में उन्हें आप चेक किस तरीके से कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में उपस्थित राहु जब उसकी महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तो वह शुभ परिणाम देगा अथवा अशुभ परिणाम देगा। आइए विषय को समझते हैं। अगर राहु कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है तो किस प्रकार का प्रभाव इसका हो सकता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। यदि कुंडली में राहु शुभ प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति को यह पराक्रमी बनाता है। ध्यान रखें, कुंडली के थर्ड हाउस में जब भी कभी राहु बैठता है तो ये व्यक्ति को पराक्रमी बनाता है और अच्छा फल देता है। व्यक्ति के अंदर होशियारी लाता है, चालाकी लाता है और कह सकते हैं कि व्यक्ति यदा कदा अपने कार्य निकालने में, यानी दूसरे व्यक्तियों से काम निकालने में माहिर होता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में व्यक्ति को ये प्रोग्रेस दिलवाता है। शेयर मार्केट व्यापार में व्यक्ति को ये लाभ देता है यदि कुंडली में राहु शुभ प्रभाव दे रहा हो तब। हालांकि इस विषय को अभी हम आगे जानने वाले हैं ताकि आप ये समझ पाएंगे कि ये कुंडली में शुभ प्रभाव दे रहा है अथवा अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसके विषय में चर्चा अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुंडली में राहु सिक्स हाउस में उपस्थित हो जाए, यानी छठे भाव में उपस्थित हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है, शत्रुओं का दमन कार्य होता है ऐसा राहु। और कह सकते हैं कि क्योंकि छठे भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार करते हैं, ठीक है, तो इन कार्यों में व्यक्ति को ये सफलता दिलवाता है। कंपटीशन का विचार भी हम करते हैं छठे भाव से, तो यहाँ भी अगर कुंडली में राहु कारक ग्रह हुआ तो फिर यहाँ पर ये आपको लाभ ही देगा। कुंडली के ग्यारहवें भाव में यदि राहु उपस्थित हो जाए या राहु की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है,
तो ये व्यक्ति को लाभ दिलवाता है। व्यापार में लाभ दिलवाएगा आपको, शेयर मार्केट में लाभ दिलवाएगा, इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें लाभ दिलवाने का कार्य करेगा। लेकिन राहु किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए इसकी चर्चा हम आगे अभी करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो कंप्यूटर के क्षेत्रों में यानी तीसरे भाव में, छठे भाव में और ग्यारहवें भाव में राहु अच्छा प्रभाव देता है। अब बात कर लेते हैं कि कब ये अच्छा प्रभाव देगा, राहु अच्छा प्रभाव देगा या बुरा प्रभाव देगा, इसे इस तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। कभी भी यदि राहु जहाँ पर बैठा है वहाँ पर तीन नंबर लिखा है, यानी मिथुन राशि में राहु उच्च का माना गया है, तो उच्च का राहु हमेशा अच्छा प्रभाव देता है। लेकिन 15 डिग्री तक, ध्यान रखें 15 डिग्री तक राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, 15 डिग्री के बाद राहु सामान्य प्रकार के रिजल्ट देगा। छः नंबर का अंक लिखा है किसी भाव के अंदर, वहाँ पर छः नंबर का मतलब है कि कन्या राशि, और कन्या राशि में राहु जो है स्वराशि का माना गया है, यानी अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। यदि कहीं पर 9 नंबर का अंक लिखा है और वहाँ पर राहु बैठा है तो यहाँ पर राहु नीच का माना गया है, लेकिन इसका नीचांश जो होता है वो 15 डिग्री तक ही होता है, यानी 15 डिग्री के बाद का, यानी राहु मान लीजिए 16 डिग्री 17 डिग्री का है तो फिर राहु नीच का नहीं माना जाएगा धनुराशि में, ठीक है। तो 15 डिग्री तक मैक्सिमम ये नीच का माना गया, उसी प्रकार उच्च का भी जो है 15 डिग्री तक मिथुन राशि में ये माना जाता है। तो नीच राशि में इसके प्रभाव नेगेटिव होंगे और उच्च राशि में प्रभाव इसका अच्छा होगा। इसके अलावा आप ये चेक करें कि आपकी कुंडली में राहु जहाँ बैठा है तो उसका नक्षत्र क्या है। राहु के तीन नक्षत्र हैं, सतभिसा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र। इन नक्षत्रों के अंदर यदि राहु बैठा है तो राहु शुभ प्रभाव देता है, ठीक है। अब क्या प्रभाव देगा ये निर्भर करेगा कि किस भाव में राहु बैठा हुआ है। अब मान लीजिए कि यदि किसी भी भाव में राहु बैठा है और वहाँ पर उसका राशिपति भी वहीं पर आकर बैठ जाए तो फिर ऐसा राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक मिथुन लग्न की कुंडली ली गई है, ठीक है। जब आप मिथुन लग्न की कुंडली लेंगे तो मान लीजिए कि 11वें भाव में राहु बैठा हुआ है तो उसका राशिपति, यानी 11वें नंबर पर आपका एक नंबर लिखा होगा, यानी इसकी राशि जो है यहाँ पर मेष राशि होगी, ठीक है। अब मेष राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल ग्रह होता है, मान लीजिए मंगल यहीं पर विराजमान हो जाए तो अब ऐसा राहु आपको शुभ प्रभाव देगा। अब यहाँ पर कई लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि मंगल और राहु की जब युति होगी तो अंगारक योग का निर्माण होगा। जी हाँ, बिल्कुल अंगारक योग का निर्माण होगा, उसके अपने जो भी लाभ या नुकसान है वो जातक को देखने को मिलेंगे, परंतु बात यहाँ पर केवल राहु की हो रही थी कि राहु यहाँ पर सुप्रभाव देगा या सुप्रभाव देगा। तो ध्यान रखें राहु यहाँ पर सुप्रभाव देगा क्योंकि उसका राशिपति भी यहीं पर बैठा हुआ है। अगले उदाहरण के द्वारा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आप कर्क लग्न की कुंडली लेंगे, ठीक है। तो कर्क लग्न की कुंडली लेंगे तो राहु मान लीजिए 11वें भाव में बैठा है तो 11वें भाव में 2 नंबर की राशि लिखी होगी, वृषभ राशि होगी, इसका स्वामी जो है शुक्र ग्रह होगा। तो अब यहाँ पर शुक्र ग्रह स्वयं उपस्थित थे इसलिए राहु भी उपस्थित थे, तो यहाँ पर राहु के सुप्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि राहु शुक्र के साथ जब भी बैठता है तो लंपट योग का निर्माण करता है, तो लंपट योग के जो भी साइड इफेक्ट हैं, कह सकते हैं कि जो भी इसके बुरे प्रभाव हैं वो व्यक्ति को देखने को मिलेंगे, लेकिन राहु यहाँ पर सुप्रभाव देगा, ठीक है, क्योंकि आज का विषय है राहु को समझना। मित्रों, राहु के विषय में और भी पहले वीडियो बनाए जा चुके हैं, अगर आप राहु के विषय में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके अलावा आप नक्षत्र दुनिया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर भी राहु से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर राहु अष्टम भाव में बैठा हो तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, 12th हाउस में दृष्टि जाएगी तो किस प्रकार का प्रभाव देगा, इसके विषय में चर्चा पूर्व के वीडियो में की जा चुकी है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देखें और जानकारी प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। आइए उपायों को जान लेते हैं। मित्रों, राहु मुख्य रूप से व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास करता है, यानी व्यक्ति के विचारों में बदलाव लाता है, विचारों में बदलाव होने के कारण कार्य क्षेत्र में बदलाव आ जाता है, तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से सशक्त रहे। तो आप इसके लिए ध्यान का सहारा ले सकते हैं, प्रतिदिन ध्यान करें, ध्यान करने से व्यक्ति का मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तो अशुभ राहु व्यक्ति का कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि व्यक्ति मानसिक रूप से जितना शांत होगा अपने कार्यों में व्यक्ति उतना ही अच्छे कार्यों में व्यक्ति उतना ही संलग्न होगा, तो ध्यान करने से राहु के दुष्प्रभाव में कमी हो जाती है। इसके अलावा दूसरा उपाय यह है कि आप राहु काल में
राहु के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे भी राहु के निगेटिव परिणामों में कमी देखने को मिलेगी। यदि आप राहु से ज़्यादा प्रभावित हैं तो फिर ऐसी स्थिति में आप एक काले कपड़े में नारियल लेकर साथ साथ 11 बादाम लेकर बांध अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। ऐसा करने से भी राहु शांत होगा और अपना नकारात्मक प्रभाव देना कम कर देगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखें, जब भी आप नारियल प्रभावित करें तो पीछे मुड़कर ना देखें और घर आकर हाथ पैर धोने के बाद ही घर में प्रवेश करें। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।